सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने तक लता दीदी की आवाज ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है और आज वो आवाज हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गई। लेकिन जिस आवाज ने लाखों करोड़ों रूह को सुकून पहुंचाया हो वो कभी चुप नहीं हो सकती, सदैव अमर रहती है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार की सुबह मुंबई में निधन हो गया। लता जी के निधन के बाद देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय शोक के दौरान किसी सरकारी या औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता। लता जी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक एक करके उनके परिवार वालों के साथ साथ बॉलीवुड जगत के तमाम कलाकार उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शाम को 6:30 बजे शिवाजी पार्क में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज से सभी को अपना दीवाना बनाया हुआ था। उन्हें संगीत विरासत में मिला था। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गाए। आज उनके यूं चले जाने से राष्ट्रीय जगत से लेकर राजनीतिक गलियारे में भी गम का माहौल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, सीएम उद्धव ठाकरे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए गहरा शोक व्यक्त किया। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके निधन को संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियाँ हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। लता मंगेशकर के निधन से हर जगह शोक की लहर है। लता दीदी ने 13 साल की उम्र से ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। उनके चेहरे पर बचपन से ही मासूमियत थी। बेहद कम उम्र से अपनी आवाज से सभी को अपना कायल बनाने वाली स्वर कोकिला ने कई बड़े बड़े सम्मान अपने नाम किए। लता दीदी सदैव लोगों के दिलों में अमर रहेंगी। आज सुबह जब देश उठा तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी दिल को गमगीन करने वाली खबर सुनने को मिलेगी। आज देश के लोग रो रहे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस गम को कैसे छिपाएं। रविवार की सुबह हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई, जिसे आपको बताते हुए भी हमें दुख हो रहा है। हम सब की चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत के साथ साथ पूरे देश में सन्नाटा पसर गया है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। दयालु और स्नेही लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वह हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलाव को करीब से देखा। फिल्मों से परे वह हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थी। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। वहीं लता जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक प्रकट किया और शोक प्रकट करते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा,
दिव्य आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है, लेकिन उसकी गूंज अमर रहेगी, अनंत काल तक गूंजती रहेगी। लता मंगेशकर को 8 जनवरी को ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। लता मंगेशकर की हालत में सुधार हुआ था और वो वेंटिलेटर से हटा दिया गया था, लेकिन शनिवार को उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया था। पिछले 29 दिनों से वो कोरोना से जंग लड़ रही थी। देश के कोने कोने में लता मंगेशकर के जल्द स्वस्थ होने के लिए यज्ञ किए गए, लेकिन फिर भी स्वर कोकिला जिंदगी की जंग जीत नहीं सकी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। लता जी की जादुई आवाज के भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। अपने लगभग 78 साल के करियर में करीब 25,000 गीतों को अपनी आवाज देने वाली लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था। 3 बार उन्होंने राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किया था। अपनी मधुर आवाज से लोगों को मोह लेने वाली लता मंगेशकर को प्रतिष्ठित भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आखिर कौन होगा पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा? यह ऐसा सवाल था जिसने पंजाब कांग्रेस में भूचाल ला दिया था। यह ऐसा सवाल था जिसने अमरिंदर सिंह को पंजाब के तख्त से हटवा दिया था। आज उस सवाल से आखिरकार पर्दा उठ ही गया। कई महीनों की माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को ही अगले विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब में सीएम चेहरा घोषित किया है। इसका ऐलान राहुल गांधी ने खुद रविवार को लुधियाना में आयोजित एक रैली में किया। पंजाब के लोगों ने कहा, हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। इस मौके पर राहुल गांधी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच फिर से किसी बात को लेकर तल्खी ना बढ़ जाए। राहुल गांधी ने दोनों ही नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि चन्नी गरीब घर के बेटे हैं, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के भी खून में पंजाब बसता है। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। गहराई से समझते हैं, गरीबी से निकले हैं और दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा खून, निकलेगा पंजाब, दिखाई देगा उसमें। पंजाब में काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में कांग्रेस में उथल पुथल और अमरिंदर सिंह का बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पंजाब के चुनाव को काफी अहम बना रहा है। वहीं अब देखना ये होगा कि पंजाब कांग्रेस का ये चेहरा पंजाब में शांति लाता है या फिर पंजाब में किसी नए भूचाल को हवा देता है। हाल के सालों में केंद्र सरकार के सामने अगर कोई आंदोलन सबसे बड़ी परेशानी के तौर पर सामने आया तो वो था किसानों का आंदोलन। ऐसा आंदोलन जिसके सामने केंद्र सरकार को उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को वापस तक लेना पड़ा, जिसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं।
इस साल 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिसको लेकर तमाम विपक्ष केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर लाना चाहता है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जैसी असमानता किसी और देश में नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार के समय में भारत में प्रधानमंत्री होता था, जबकि आज के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की जगह सिर्फ एक राजा है। उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है। प्रधानमंत्री सुनता है, प्रधानमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खुले होते हैं, बातचीत करता है और अपने लोगों से यह भी कह सकता है, नहीं मैं मानता नहीं तुम्हारी बात, गलत बोल रहे हो। मगर जब लोग सही बात कहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री कहता है सही बात बोल रहे हो। और अगर प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं काम करता है तो वह प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। वहीं राहुल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, मैं राजा हूं, राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है। सच्चाई है हिंदुस्तान की, राजा ना सुनेगा ना बात करेगा, राजा सिर्फ निर्णय लेगा। और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर राजा निर्णय लेता है तो जनता को चुप रहना चाहिए, और अगर जनता चुप नहीं रहती है तो फिर सीबीआई, ईडी, पुलिस, पेगासस सब चालू हो जाता है। इस मौके पर राहुल गांधी के तेवर काफी आक्रामक नजर आए। राहुल ने मोदी सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 15 लाख रुपए और आमदनी दोगुनी करने जैसे वादे करके बीजेपी सरकार भूल गई, लेकिन जो किसानों का है उसे भी मोदी सरकार उनके दोस्तों को देना चाहती है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के भाषण आपने सुने हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, याद है? 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, याद है? आमदनी दुगनी कर दूंगा, याद है? याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा, याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा। मगर अब जो किसानों का है, जो किसानों का है, अपने 2 मित्रों को पकड़ा दूंगा। किसान आंदोलन और पेगासस जैसे मामलों के आने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर काफी हमलावर है। अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने संसद में कांग्रेस और पेगासस के मुद्दे पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस इस बार के चुनावों में किसानों के मुद्दे को संजीवनी की तरह देख रही है। ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि ये संजीवनी कितनी कारगर साबित हुई। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।